हेलो साइंस होम्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में, कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का अंदर पाया जाने वाला एक तरह का सिंड्रोम है। अब जैसे नाम से अपन को पता चल रहा है माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि किसी भी तरह के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होना। अब माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, तो अपन जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब दोस्तों होता है कि जब जो न्यूट्रिएंट होता है, जो अपन कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का जीआई सिस्टम से, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, यानी कि पाचन तंत्र से उसका ब्लड में जाना, ठीक है ना, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। यानी कि न्यूट्रिएंट का जीआई सिस्टम से ब्लड में जाना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। उस एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। और ऐसे किसी तरह की बीमारी के कारण अगर ये चीज होती है तो उसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है, क्या क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसके कॉज है, साइन सिम्टम क्या रहते हैं, लक्षण, और क्या इसकी रोकथाम अपन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो बात करते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर, कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है माल, माल का मतलब हो गया किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह की कमी आ जाना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि उसके जो कह सकते हो आप एब्जॉर्ब करने की ताकत में, जो जीआई से ब्लड में अपन न्यूट्रिएंट डाले उस एब्जॉर्प्शन की क्षमता में। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होगा किसी भी बीमारियों का समूह, यानी किसी बीमारियों के कारण माल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में कमी आना। अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन में, माल एब्जॉर्प्शन मींस वन और मोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर इनएडिक्वेट। कहने का मतलब माल एब्जॉर्प्शन का वर्ड का मतलब हो गया एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं उनकी कमी हो जाना, एब्जॉर्ब बाय द जीआई ट्रैक, जो कि जीआई ट्रैक से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो वन या मोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना जो कि एब्जॉर्ब हो सकते थे जीआई ट्रैक से। इट अकर्स व्हेन पर्सन कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ये तब होता है दोस्तों कि जब पेशेंट किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं कर पाता है, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रॉन्ग फूड, जो कि खाने से उसको नहीं मिलता है। फिर अगर बात करें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर अल्टर, इसके अंदर क्या होता है डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन अल्टर। अब डाइजेशन की अगर यहाँ पे अपन डिटेल में बात करें तो डाइजेशन का मतलब हो गया लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना। अगर किसी भी तरह से खाना लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। फिर अगर बात करें एब्जॉर्प्शन में, तो अगर डाइजेशन हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, तो उस एब्जॉर्प्शन की कमी के कारण बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट कमी, जिसको बोलेंगे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कॉजेस की। तो कॉजेस के अंदर, इसके अंदर नॉर्मली अपन अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं कॉजेस को। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन यहां देखेंगे ड्यू टू इन्फेक्टिव एजेंट, किसी भी तरह के इन्फेक्शियस एजेंट के कारण, यानी इन्फेक्शन के कारण। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉज आता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, यानी अगर किसी पेशेंट को, यानी किसी पेशेंट को अगर इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होने के चांस रहेंगे। दूसरी अगर बात करें किसी भी तरह का एचआईवी हो रखा है पेशेंट को, तो उसके कारण भी पेशेंट का एब्जॉर्प्शन एब्रप्ट होगा। फिर अगर बात करते हैं पैरासाइट, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का पैरासाइट है जीआई सिस्टम में, पाचन तंत्र में, तो उसके अंदर भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरासाइट उसका सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा, तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की क्या रहेगी, कमी रहेगी, उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं विपल्स डिजीज। तो विपल्स डिजीज एक तरह का एक कह सकते हो डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है विपल्स नाम का एक जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसके कारण क्या होता है डिजीज कॉज होती है, जिसको बोलते हैं विपल्स डिजीज। इसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि विपल्स डिजीज के कारण भी अपन को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। साथ ही साथ बात करें ट्रॉपिकल स्प्रे, ट्रॉपिकल स्प्रे का मतलब हो गया जब पेशेंट के माउथ के ऊपर या फिर किसी भी तरह के जीआई सिस्टम के अंदर किसी तरह का अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे कह सकते हो कि अल्सरेशन का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का स्किन का एब्रप्शन होना, अल्सर बन जाना, ठीक है ना। तो अगर मान लो उसके माउथ पे अल्सर हो गया या फिर मान लो जेड है कहीं अल्सर हो गया, तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल स्प्रे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है अल्सर बनने के कारण जो न्यूट्रिएंट है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ना ही उसका डाइजेशन हो पाता है। फिर अब बात करेंगे इसके सेकेंड कॉजेस की। तो सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन होता है कॉज का ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अब स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचनात्मक किसी तरह की क्या कह सकते हो कमी पाई जाए, किसी तरह से वो डिफेक्ट आ रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको अपन आईबीडी भी बोलते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर क्या होता है कि बाउल जो अपना, बाउल का मतलब हो गया अपने इंटेस्टाइन के अंदर जो अपने कह सकते हो जीआई सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। और मैंने आपको बता रखा है जब भी किसी अपने ऑर्गन के अंदर, कभी किसी कह सकते हो पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, तो वहां का फंक्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उसके कारण पेशेंट का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरे अपन यहाँ बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि बाउल के अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, अल्टर्ड रहता है, यानी कि उसके अंदर काफी प्रॉब्लम आती है।
फिर अगर बात करें रेडिएशन एंट्राइटिस, रेडिएशन के कारण यानी मान लो किसी पेशेंट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रेडिएशन के अंदर आता है तो रेडिएशन के कारण उसके अंदर एंटेराइटिस हो सकता है, जो कि अपन ने बात कर रखी है वीडियो में कि एंटेराइटिस के अंदर हो गया कि उसके जो जे ट्रैक्ट उसके अंदर इंफ्लेमेशन आ सकती है किसी पार्ट में, जिसके कारण उसका क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन कम हो रहा है। फिर बात करते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो इसके अंदर भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, ये एक तरह की दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट की जो कह सकते हो एब्जॉर्प्शन की रेट काफी कम हो जाती है, ठीक है ना। ये भी एक तरह की काफी बड़ी डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसके अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर मान लो स्क्लेरोसिस होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उसके कारण अपनी बाउल सिस्टम के अंदर भी काफी फर्क पड़ता है, जिसके कारण माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। फिर बात करें डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी इसके अंदर भी अपन को पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंत्र शोथ हो जाता है। फिर बात करते हैं फिशुला, फिशुला के अंदर एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बन जाती है, यानी कि एक जगह को छोड़ के कहीं एक्स्ट्रा ओपनिंग बन जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ सकता है, जिसके कारण दोस्तों वहां पे एब्जॉर्प्शन कम रहेगा। फिर बात करते हैं सर्जरी की, यानी कि अगर पेशेंट की किसी तरह की सर्जरी हो रखी है तो क्या होगा पेशेंट के वहां पे एब्जॉर्प्शन की रेट कम रहेगी, क्योंकि उसका क्या कह सकते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि उसके अंदर जो आंतों के अंदर मूवमेंट पाया जाता है वो कम रहेगा, जिसके कारण पेशेंट का एब्जॉर्प्शन भी कम रहेगा। हो सकता है उसका जो कह सकते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाए, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं खाने का, वो पहले ही शरीर से बाहर निकल जाए, तो सर्जरी के कारण भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके कॉजेस के अंदर दो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़े, ड्यू टू इन्फेक्टिव एजेंट और ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अब बात करेंगे हम दोस्तों माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर जो अपन कॉजेस पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने दो कॉजेस पढ़ लिए, अब अपन बात करेंगे उसके तीसरे कॉज की, ड्यू टू म्यूकोसल एबनॉर्मलिटी। अब यहाँ पे म्यूकोसल एबनॉर्मलिटी का मतलब हो गया कि म्यूकोसा के अंदर अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो म्यूकोसा का मतलब हो गया यहाँ पे जो जीआई सिस्टम है, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग पाई जाती है, जो अंदर की लेयर पाई जाती है, अगर उसके अंदर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं म्यूकोसल एबनॉर्मलिटी। अब अगर बात करें म्यूकोसल के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एबनॉर्मलिटी है सीलिएक डिजीज। तो सीलिएक डिजीज एक तरह की ऐसी डिजीज है जिसके अंदर वीट यानी कि किसी भी तरह के गेहूं से, ठीक है ना, या बार्ले द्वारा क्या होता है अपना इम्यून रिफ्लेक्स बनता है। अब इम्यून रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि बार बार कोई पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गेहूं से, ठीक है ना, बार्ले से, इनसे क्या होता है रिफ्लेक्स, इम्यून सिस्टम का रिफ्लेक्स आता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को है ना वहां पे इम्यून रिफ्लेक्स कारण वहां की म्यूकोसा है उसकी लाइनिंग खराब हो जाती है, और पेशेंट का जो एब्जॉर्प्शन है रेट वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेकंड कॉज की, क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसके अंदर टियरिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। वापस बताना चाहूंगा दोस्तों, क्रॉन डिजीज के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर किसी भी तरह की टियरिंग के कारण वहां पे जो एब्जॉर्प्शन की रेट है, यानी कि वहां के एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाती है, जिसके कारण उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है। फिर बात करते हैं तीसरे कॉज की, तो काउ मिल्क इनटॉलरेंस, जिसके अंदर पेशेंट को जो काउ मिल्क है उसके प्रति इनटॉलरेंस, यानी कि उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको बोलते हैं काउ मिल्क इनटॉलरेंस। साथ ही साथ इसी तरह सोया मिल्क से भी क्या हो जाता है, उसका टॉलरेशन खत्म हो जाता है, यानी कि उसको सहन नहीं कर पाता, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, जिसको बोलते हैं सोया मिल्क इनटॉलरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि डी जो अपना क्लासिफिकेशन है, ड्यू टू एंजाइम इनसफिशिएंसी। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी तरह के एंजाइम की इनसफिशिएंसी के कारण, यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम क्या होते हैं इनसफिशिएंट, यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं एंजाइम इनसफिशिएंसी, जिसके अंदर आता है लैक्टोज डेफिशिएंसी, यानी कि पेशेंट के अंदर लैक्टोज नाम के एंजाइम की कमी हो जाना। दूसरा आता है सुक्रोज इंटॉलरेंस, जिसके अंदर पेशेंट सुक्रोज को क्या कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, उसका पाचन सही से नहीं कर पाता। तीसरा आता है बाइल साल्ट की कमी हो जाना, यानी कि बाइल साल्ट की कमी हो जाने के कारण भी पेशेंट की जो एंजाइम की इनसफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट की एब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम डेफिशिएंसी, जिसके अंदर इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंजाइमों के अंदर क्या हो जाती है कमी आ जाती है, जिसके कारण भी क्या होता है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है, तो इन सभी एंजाइम की कमी के कारण पेशेंट का डाइजेशन सही से नहीं होगा। और अपन सब जानते हैं अगर किसी भी तरह का जटिल खाना सरल खाने में नहीं टूटेगा, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं टूटेगा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ड्यू टू डाइजेस्टिव फेलियर, इसके अंदर बात करेंगे डाइजेस्टिव फेलियर के अंदर अपने क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पैनक्रियास से निकलने वाला जूस
बिल्कुल कम मात्रा में निकलता है या फिर नहीं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता, और डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर अगर बात करें इसके सेकंड अंदर डाइजेशन फेलियर में, तो कार्सिनोमा पैनक्रियास, यानी कि अगर पैनक्रियास में किसी भी तरह का कार्सिनोमा या कैंसर जैसा कोई भी कॉज बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, पैनक्रियास की जो कह सकते हो आपके एंजाइम की निकलने की ताकत या फिर उसका डाइजेशन की पावर खत्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास। अब बात करते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर स्टमक के अंदर क्या होता है, कैंसर बन जाता है। अब स्टमक के अंदर अगर किसी भी तरह का कैंसर बनेगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड निकलेगा। अब वापस बताना चाहूंगा, तो इसमें स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड ज्यादा मात्रा में निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्टमक में क्या हो चुका है, कैंसर बन चुका है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा एसिड निकलने के कारण वहां पे बहुत सारे अल्सर बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब बात करते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की। कई बार पेशेंट के जो जीआई सिस्टम है वहां पे बैक्टीरिया की काफी ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की, तो ड्यू टू अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी तरह के बाहर ये डिसऑर्डर के कारण, यानी कि जो जीआई सिस्टम के बाहर के, जैसे कि किसी भी तरह का कोई एंजाइम, कोई थायराइड रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह के हार्मोन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण भी पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब कैसे होगा तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म, यानी कि थायराइड का लेवल ज्यादा होने से या फिर कम होने से, क्योंकि थायराइड क्या काम करता है, तो दोस्तों थायराइड काम करता है यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन को निकालने का, जो कि क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को मेंटेन रखते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो थायराइड का अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो उसकी क्या होगी, जो एनर्जी है ज्यादा यूज होगी, और अगर कम निकलेगा तो एनर्जी कम यूज होगी, जिसके कारण वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की रेट या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, जिसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब बात करते हैं एडिसन डिजीज की, तो एडिसन डिजीज के अंदर भी क्या हो सकता है, पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन रह सकता है। फिर बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की, जिसके बारे में अपन ने वीडियो में बात कर रखी पिछले, कि डायबिटीज मेलिटस में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की रेट बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को एब्जॉर्प्शन में काफी दिक्कत आती है। फिर बात करते हैं एमेलॉइडोसिस की, तो इसके अंदर एमेलॉइड यानी कि एक तरह का ऐसा प्रोटीन है जो शरीर में क्या होता है, अपन कह सकते हो बोन मैरो में बनता है, ये एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन है। एमाइलॉइड एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन जो कि कहां से बनता है, बोन मैरो से, ठीक है ना। तो ये एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन जो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में जमा हो सकता है। दोस्तों वापस बताना चाहूंगा, एमाइलॉइड का मतलब हो गया एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन जो कि बोन मैरो में बनता है और किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में जमा हो सकता है, जिसके कारण भी पेशेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन की रेट काफी बिगड़ सकती है, जिसको बोल सकते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, तो इसको बोलते हैं एमाइलॉइडोसिस। इसके अलावा बात करें अगर इसके अलग क्लासिफिकेशन की, तो ड्रग इंड्यूस्ड क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि ड्रग इंड्यूस्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे किसी भी तरह के ड्रग के कारण जो एब्जॉर्प्शन की जो कह सकते हो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या आ रही है, तकलीफ आ रही है। कैसे? अब बात करते हैं यहाँ पे पहला लेक्सेटिव या एंटासिड। तो लेक्सेटिव का मतलब हो गया जो भी अपने कह सकते हो स्टूल को कह सकते हो एकदम सॉफ्ट बनाने वाले। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है ना, वो सही से क्या कर सकते, डेफिकेशन नहीं कर पाते, उनको कब्ज रहती है, तो उसके अंदर लेक्सेटिव दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट का स्टूल जो है यानी पेशेंट का जो मल है वो हार्ड नहीं रहता, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ताकि पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ ना हो। फिर अगर बात करें एंटासिड की, तो एंटासिड के अंदर जो पेशेंट के जो कह सकते हो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है शरीर में, जिसके कारण अपन उसको एंटा एसिड देते हैं और पेशेंट के एसिड की मात्रा को वापस नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। तो लेक्सेटिव और एंटा एसिड क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में काफी तकलीफ दे सकते हैं। फिर बात करते हैं नियोमाइसिन की, तो नियोमाइसिन एक तरह की एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। वापिस बताना चाहूंगा, नियोमाइसिन एक तरह की एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। जैसे अपने बात करेगा बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होती है, तो उसके अंदर भी नियोमाइसिन नाम की ड्रग तकलीफ दे सकती है। फिर बात करते हैं कोलेस्टामाइन की, तो कोलेस्टामाइन आप यह कह सकते हो एक तरह से कह सकते हो बाइल बाइंडिंग। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा, यहाँ पे आप कह सकते हो बाइल बाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बाइल जो है कह सकते हो आप शरीर के अंदर पाया जाने वाला बाइल है, उसको क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है, और बाइल को बाइंड करने के साथ ही पेशेंट के अंदर क्या होता है कि बाइल का रीअब्जॉर्प्शन, वापस बताना चाहूंगा, बाइल का रीअब्जॉर्प्शन यानी उसको वापस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वापस लेने की क्षमता अगर खत्म होगी तो वहां पे क्या होगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहां दोस्तों हमने बात करी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बचे हुए क्लासिफिकेशन की कॉजेस के अंदर, ड्यू टू म्यूकोसल एबनॉर्मलिटी, ड्यू टू एंजाइम इनसफिशियंसी, ड्यू टू डाइजेस्टिव फेलियर, ड्यू टू अदर सिस्टमिक डिजीज, और साथ ही साथ अपन ने देखा ड्रग इंड्यूस्ड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो दोस्तों यहां हमने बात करी इसके कॉजेस की। अब बात करेंगे हम दोस्तों
कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किसी भी पेशेंट को हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कैसे होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पैथोफिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें किस तरह से अल्टरनेस आ रहा है, यानी कि उसकी नॉर्मल क्या फिजियोलॉजी रहती है। तो जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो भी खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, वो तीन तरीके का होता है। पहला होता है उसके अंदर इंट्रालुमिनर हाइड्रोलाइसिस, यहाँ जो वर्ड आपको ध्यान रखना है वो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से उसको एकदम कह सकते हो सरल प्रोसेस में आना, उसको एकदम बिल्कुल लाइट हो जाना, जो क्या कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस के अंदर जो अपन हैवी फैट लेते हैं, हैवी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और हैवी जो उसके अंदर प्रोटीन लेते हैं, उसका क्या किया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना, वो कहलाता है इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस। वापिस बोलता हूँ, इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस में फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का ये एंजाइम द्वारा क्या होते हैं अपने टूटते हैं, किससे, कॉम्प्लेक्स से वापिस आती है सरल में, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो इनके कह सकते हो आप लार्ज मॉलिक्यूल से वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। फिर अगर बात करें इसके अंदर कैसा होता है, तो आप जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर बाइल साल्ट, यानी कि बाइल साल्ट में जैसे फैट के ऊपर बाइल साल्ट एक तरह का एंजाइम है जो क्या करता है काम करता है इसके ऊपर, फैट को क्या करता है इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब हो गया फैट को क्या करता है ये सोल्यूबल बनाता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे बाइल साल्ट अगर नहीं होता तो फैट क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वापिस बोलते हो, अगर बाइल साल्ट शरीर में है तो फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, अगर बाइल साल्ट नहीं है तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो अगर अपना पहला नॉर्मल प्रोसेस है इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस, दूसरा प्रोसेस यहाँ चलता है डाइजेशन बाय ब्रश वॉटर एंजाइम। ब्रश वॉटर एंजाइम के अंदर जो अपन कह सकते हो जो एंड प्रोडक्ट बनता है, कह सकते हो जो अपन अपशिष्ट पदार्थ बनने से पूर्व की प्रक्रिया जो होती है जिसके अंदर क्या होता है लास्ट बचा हुआ जो पार्ट होता है उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, कुछ सर्टेन मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन, तो वो होता है डाइजेशन बाय ब्रश वॉटर एंजाइम और अपटेक ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट बच रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि लास्ट पार्ट ही हो, आप कह सकते हो कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ब्रश वॉटर एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है कि आप देख सकते हो जैसे कि अगर एक कह सकते हो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर से फूड अगर ब्लड में जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर से फूड अगर ब्लड में जाता है तो उसके लिए यहाँ पे ब्रश वॉटर एंजाइम पाए जाते हैं। वापिस अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप जैसे देख सकते हो कि एक अगर कह सकते हो एक अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके अंदर अगर किसी तरह का न्यूट्रिएंट है तो उसको वापिस ब्लड में आने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसको एंजाइम चाहिए। तो क्या करेगा वो ब्लड में आने के लिए उसके जो बॉर्डर पे एंजाइम पाए जाएंगे उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो डाइजेशन बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो क्या करते हैं एंड प्रोडक्ट का अपटेक बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया अपना सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस की बात करें तो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि लिम्फेटिक जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को लिम्फेटिक सिस्टम में डाला जाता है। तो ये तीन सिस्टम की अपन ने बात करी, इंट्रालुमिनल हाइड्रोलाइसिस, डाइजेशन बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम और लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। अब मैं कहता हूं कि अगर इन तीनों प्रोसेस में से किसी में भी अगर इंटरप्शन होता है, किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट पाई जाती है तो उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा। वापिस जैसे देखा तो माल एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन एनी ऑफ थ्री फेजेस इज इम्पेयर, यानी इनमें से किसी भी फेज के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा। ये थी अपनी पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो होता है वो इन तीनों फेजेस में प्रॉब्लम आने के कारण होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की रेट कम या ज्यादा होने पे अपने आप अलग अलग तरह के साइन और सिम्टम आएंगे। जैसे कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज देखने को मिलेगा, कुछ पेशेंट को डायरिया यानी दस्ते देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स के फाउल स्पेलिंग यानी मुंह से गंदी बदबू आएगी, अलावा ड्राई स्किन, पेशेंट की स्किन एकदम ड्राई रह सकती है, फैटिग यानी थकान आएगी, साथ ही साथ एनीमिया। अब यहाँ पे एनीमिया क्यों हुआ, तो जैसे कि अपन जानते हैं अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है यानी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो एक आप कह सकते हो अगर नॉर्मल एग्जांपल में लूं तो B12, अगर B12 की कमी हो जाती है शरीर में तो वहां पे भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना, तो वहां पे भी न्यूट्रिशनल एनीमिया होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा वीकनेस यानी कमजोरी आ सकती है, साथ ही साथ गैस और ब्लॉटिंग, जिसके अंदर क्या होगा पेशेंट की गैस बन सकती है या फिर उसका जो एब्डोमिन है वो ब्लॉटिंग यानी फूल जाएगा।
स्टेट। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो जो स्टूल है यानी कि जो मल है उसके अंदर आपको फैट देखने को मिलेगा, किस रंग में, सफेद रंग में, जिसको बोलते हैं स्टेटोरिया। वापिस बता दो, स्टेटोरिया का मतलब है सफेद रंग का मल आना, जिसका सफेद रंग दर्शाता है फैट को यानी कि वसा को। अगर फैट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं होता है तो उसके अंदर स्टेटोरिया हो सकता है। फिर बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा हेयर थिनिंग यानी कि उसके बाल भी पतले पाए जाएंगे। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि आप इसको कैसे पता कर सकते हो, इसके क्या डायग्नोसिस रहते हैं। तो अगर इसकी पहले डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट, यानी कि आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट देख के बता सकते हो पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या नहीं है। अब कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं। सबसे पहले रूटीन ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर आपको एनीमिया का पता चलेगा कि पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, तो रूटीन ब्लड टेस्ट। इसके अलावा लो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की या फॉस्फेट की कमी पाई जा रही है, कहने का मतलब पेशेंट को ब्लड के अंदर अगर इन दो चीजों की कमी पाई जा रही है तो पेशेंट का एब्जॉर्प्शन कम है। फिर अगर बात करते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके अंदर पेशेंट का लैक्टोज का टॉलरेंस देखा जाता है कि पेशेंट का जो शरीर है वो लैक्टोज को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जिसको बोलते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये था अपना पहला डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट। अभी अपन ने बात करी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर पैथोफिजियोलॉजी, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस का पहला डायग्नोसिस देखा ब्लड टेस्ट। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड इन्वेस्टिगेशन की, कि अपन डायग्नोसिस के अंदर ब्लड टेस्ट के अलावा क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट के बाद अपन करते हैं स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट के अंदर अपन बात करते हैं फीकल फैट स्टडी, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्टूल के अंदर, स्टूल यानी मल के अंदर, अगर किसी भी तरह का फैट यानी सफेद रंग का मल आ रहा है, स्टूल के अंदर फैट आ रहा है, तो अपन फीकल फैट स्टडी कर सकते हैं और अपन देख सकते हैं क्या फीकल मैटर में, क्या मल में किसी भी तरह का फैट एब्जॉर्प्शन फैट है या नहीं है, जिसको बोलते हैं अपन स्टेटोरिया। इसके अलावा बात करें इसके अंदर लो इलास्टेज इंडिकेट पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, इसके अंदर अगर लो है इलास्टेज यानी कि इलास्टेज का लेवल अगर कम है तो वो इंडिकेट करेगा कि पैनक्रियास की क्या इनसफिशियंसी, यानी पैनक्रियास से एंजाइम का कम स्रावण हो रहा है। तो ये था लो इलास्टेज इंडिकेट दैट पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी, की लो इलास्टेज होगा तो पैनक्रियास की इनसफिशियंसी इंडिकेट होगी यानी दिखेगी। फिर अगर बात करें स्टूल टेस्ट के बाद अपन करते हैं रेडियोलॉजिकल स्टडी। रेडियोलॉजिकल स्टडी के अंदर अपन बेरियम एनीमा यानी कि जो अपन एनीमा देते हैं पेशेंट को, उसके अंदर बेरियम एनीमा देंगे, जिसके कारण अपन एक्सरे से और अपन देख सकते किसी तरह का कैंसर तो नहीं है, किसी तरह का वहां पे ट्यूमर तो नहीं है, ट्रॉमा तो नहीं हो रखा है। इसके अलावा एमआरसीपी का मतलब यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस कोल एंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, जिसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो आपने सुन रखा है एमआरआई के जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस का प्रयोग करते हुए एंजियोपैनक्रियाटोग्राफी की जाती है, जिसके अंदर अपन पैनक्रियास के अंदर देखते हैं कि किसी तरह का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस कोर एंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमआरसीपी। इसके अलावा अपन करते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, जिसके अंदर अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या पेशेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो गई है। अब बात करते हैं अपन चौथे डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिसके अंदर आता है इंटरवेंशनल स्टडी, जिसके अंदर अपन इंटरवेंशनल स्टडी अपन देखते हैं कि एंडोस्कोपी करके किसी तरह की एबनॉर्मलिटी, या फिर कॉलोनोस्कोपी करके देख सकते हैं, या फिर अपन म्यूकोसल बायोप्सी ले सकते हैं। अब जैसे कि एंडोस्कोपी के बारे में बात करें तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोस्कोपी किस तरीके से की जाती है। फिर अगर बात करें कॉलोनोस्कोपी की तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉलोनोस्कोपी किस तरीके से की जाती है, जो अपन ने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। इसके अलावा अगर बात करें म्यूकोसल बायोप्सी की तो म्यूकोसल बायोप्सी के अंदर अपन नॉर्मली एक सेल का टुकड़ा लेते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं म्यूकोसा का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर क्या मैनेजमेंट दिया जाता है, तो इसके अंदर अपन कर सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि अपन को पेशेंट के न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट करना, उसका इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करना, उसके फ्लूड्स का रिप्लेसमेंट करना है। कहने का मतलब पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल और फ्लूड लेवल वापस नॉर्मल लाना है, जिसका अपन कर सकते हैं अगर मेडिकल में, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो अपन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या एडमिनिस्ट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया अपन उसको वो चीज आईवी चढ़ाएंगे, अगर वो अपने खा नहीं सकता उस चीज को या फिर पी नहीं सकता, खान पान सही से नहीं कर सकता, तो अपन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे उसका न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड का रिप्लेसमेंट होगा।
अब बात करते हैं एंटीबायोटिक के अंदर, तो एंटीबायोटिक में अपन मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा अपन जो कह सकते हैं बाइल बाइंडिंग मेडिकेशन दे सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरिया को रोकने के काम आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। अगर अपन बाइल बाइंडिंग ज्यादा देते हैं तो उसके कारण माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या हो सकता है, काफी वर्स हो सकता है। तो अपन को वहां पर ध्यान रखना है कि लिमिट रखनी है बाइल बाइंडिंग की, साथ ही साथ अपन मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। इसके अलावा बात करें डायटरी मॉडिफिकेशन, तो अपन को उसका पेशेंट का डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा, डाइट का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग तक कुछ चीजों को अवॉइड भी करनी पड़ेगी। अगर वो काउ मिल्क के प्रति इंटॉलरेंट है तो उसको काउ मिल्क से अवॉइडेंस रखना पड़ेगा, कुछ समय के लिए उसको कुछ चीजों से अवॉइडेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो ईट अ डाइट, अपन को पेशेंट को ऐसी डाइट देनी है, उसको सिखाना है कि इस तरीके की डाइट ले जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट में तो हाई हो और साथ ही साथ फैट के अंदर लो हो, जिससे उसका डाइजेशन अच्छे से हो और एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो। तो यहां अपन ने बात करी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के स्टूल टेस्ट के बारे में, डायग्नोसिस के अंदर रेडियोलॉजिकल स्टडीज की और इंटरवेंशनल स्टडी की, साथ ही साथ अपन ने देखा कि अपन इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।